हाँ, आज अपन जो बात पहले हुई थी कि बोर्ड के रिगार्डिंग तैयारी करने जा रहे हैं, ओके। तो एक स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आप इधर आइएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है एट्थ बोर्ड। यहाँ पे एट्थ बोर्ड का जो बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 to 22 ये करेंगे तो आपको 30 नंबर्स वहां से मिल जाएंगे। सेम लाइक दैट, यदि 10th बोर्ड की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 19 ये आपका टोटल 18 है। और 12th बोर्ड की बात करूं मैं यदि, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये पहले ए पार्ट में आता था, उसमें क्वेश्चन 1 ही होता था, उसके 9 पार्ट होते थे, लेकिन अभी 1 to 9 हो गया है, तो टोटल आपका 9 नंबर का। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व पैसेज, पैसेज को कैसे हल करना। तो ये गेम है, इट्स सिंपल अ गेम। आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझिएगा कि मान लीजिए किसी रूम के अंदर 100 चीजें रखी हुई है और मैं आपको कहता हूं जाओ बेटे पेन लेके आओ, समझिएगा मैं कहता हूं बेटे पेन लेके आओ, तो आप जाओगे और उन 100 चीजों में से केवल पेन ही लेकर आओगे। और एट दैट टाइम मैं आपसे कहूंगा क्या आपने इरेजर देखा वहां, तो आपके वहां मेमोरी में वो इरेजर होगा नहीं, नहीं होगा। क्यों? आपके माइंड में क्या था? ओनली पेन, ओनली पेन, समझ रहे ना। तो अब मैं आपको दूसरी बार कहता हूं जाइएगा, अब आप इरेजर लेके आइएगा। अब फिर आप उसी रूम में गए जहां पे 100 थिंग्स रखी हुई थी, उसमें से आप केवल एक ही चीज उठा के लाएंगे, वो इरेजर। फिर मैं आपसे कहूंगा क्या आपने वहां पर शॉर्पनर देखा? नहीं सर, शॉर्पनर नहीं देखा। तो जाओ अब शॉर्पनर लेके आओ। फिर आप उसी रूम में जाएंगे जिसके अंदर 100 थिंग्स रखी हुई थी, फिर आप शॉर्पनर लेके आएंगे। ये मैं कहानी जो आपको बता रहा हूं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए ना, सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो करते हैं अपना फ्रेम योर आंसर। फ्रेम योर आंसर का मतलब क्या? सबसे पहले तो पेपर सॉल्व करने से पहले ना, पेंसिल, यू मस्ट, ईच एंड एवरी वन हैव पेंसिल, पेंसिल रखिएगा। और इस स्ट्रेटेजी से यदि आप इस पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आपका टाइम जो लगना चाहिए था उससे 40% कम समय लगेगा, आई गारंटी, आई गारंटी। तो सबसे पहले करते क्या है, पैसेज दिया हुआ उस पैसेज को पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, समझ रहे हैं? मैं गौर कीजिएगा, बाकी सब जगह आपको ये मिलता होगा पैसेज पढ़ो, अंडरलाइन करो, अपने को पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज सीधे से उसके क्वेश्चन पे जाइएगा। अब जनरल इक्वेशन में होता क्या है, जनरल इक्वेशन में यहां पर अपन अब बात करें तो मैं अपने एक अपने टॉपिक हुआ करता था पहले, जो 4 नंबर का हुआ करता था, 6, 7, 8 में अभी भी है, जिसको कहते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। आंसर दिया हुआ होगा आपको, उसका क्या बनाना है, तो वही आइडिया यहाँ पे काम लेना है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर फ्रेम करना, फ्रेम करना। अब जैसे होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपके कोर्स में, तो सबसे पहले यही होगा, या WH वर्ड दिया हुआ होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वर्ब। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो इसमें से कोई एक चीज मिस होगी, कोई एक चीज मिस होगी, बस वो एक चीज को पैसेज से उठा के अपने को ला वहां आंसर में लिखना है। अपन क्या करते हैं, लाइन मिलाते हैं, हाँ इसमें ये सब दिया हुआ है इसका मतलब ये आंसर होगा, ऐसा कतई नहीं करना है। अपने को ये सारे नंबर अपने फिक्स डिपॉजिट में रखने हैं। फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, क्या बना, क्वेश्चन को स्टडी कर। आप समझ लीजिए मेरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी ना, वो 100 थिंग्स जिसमें रखी हुई है उस रूम में, तो आपका ये पैसेज है वो 100 थिंग्स वाला है। उसमें से आपको चाहिए कितनी चाहिए, केवल 5 चीजें, केवल कितनी, 5 चीजें। तो वो 5 चीजें कौन सी चाहिएगी, ये अपन पहले से अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप वापस इस स्टोरी पे पहुंचते हैं, 100 चीजें किसी रूम में रखी हुई है, मैं आपसे कहता हूं जाइए भैया वहां से स्केल लेके आइएगा, पेन लेके आइएगा, शार्पनर लेके आइएगा, डिवाइडर लेके आइएगा और इरेजर लेके आइएगा। तब आप उस रूम में जाएंगे तो वो 5 चीजें ही लाएंगे या और कुछ लाएंगे,
वो पांच चीजों का मतलब यही है कि आप अपना पहले फ्यूशन फ्रेम कर लेंगे, फ्रेम योर आंसर, सॉरी फ्रेम योर आंसर। तब होता क्या है, मैं बात करूं सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूं। मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप डब्ल्यू एच वर्ड आएगा ही आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट 100% आएगा। तो आप इसको मैं करूं तो सबसे पहले अपने को क्या सिंपल सेंटेंस में आंसर देना, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, मैं सब्जेक्ट कहां से लाया, क्वेश्चन से। मैं हेल्पिंग वर्ब लाया, कहां से लाया, मैं यहाँ पे वर्ब लाया, कहां से लाया, मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाया तो कहां से लाया। अब क्वेश्चन में अपनी एक चीज मिस होगी, चाहे तो हेल्पिंग सॉरी सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट, वही तो ढूंढ के लाना है। आप लेके आ गए, फिर इसके बाद में ना एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है आपको? फिर क्या लगा देना, फुल स्टॉप। तो भैया 100% दिमाग में ये फिक्स कर लीजिएगा कि मुझे पहले वो पांच चीजें ढूंढनी है, इसलिए पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको अपने जो क्वेश्चन दिए हुए उनका आंसर फ्रेम करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कहां पे है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो आप सिंपल सा करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा। अगर मैं टेंथ लेवल की बात करूं, ये तो आपके एट लेवल की, मैं अगर टेंथ लेवल की बात करूं तो उसमें फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है। ये कैसे क्वेश्चन आपको पता है, ये डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब मतलब ये क्वेश्चन उठाया जाता है आपका पैसिव वॉइस में से। कौन सी वॉइस? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, उसका क्वेश्चन यहां बनता है। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सीधा कॉम्प्लीमेंट। जैसे हु इज राम्स फादर, राम के पिताजी कौन है, वाई इज ऑथर अनहैप्पी, लेखक नाराज क्यों है, तो वह कॉम्प्लीमेंट वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नरेशन से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको अपन कहते हैं वहां पर, तो ये आंसर अपने को रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करना होता है। अगर आप ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करोगे तो आप अच्छी तरह से उन क्वेश्चन को, यहाँ पे माइंड को फोकस यहाँ करना है कि क्वेश्चन तो वहां दिए गए, मेरे को उसका आंसर फ्रेम करना है। और आंसर जैसे ही फ्रेम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे इसमें लिखना क्या है। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे लिखना क्या है, तो भैया अपन वो लाइन मिला के पैसेज में से लिखते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। लाइन मिला के नहीं लिखना है, अपने ये एट बोर्ड के अंदर 30 नंबर, टेंथ बोर्ड के अंदर 18 नंबर और ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर 9 नंबर ऐसे फ्री में मिलते हैं। यदि आप स्ट्रेटेजी के तहत इस पैसेज को हल करते हैं तो आपके नंबर पूरे से पूरे मिलते हैं। नहीं, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं, उस पैसेज के जितने नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन को हल किया फिर आपको लगभग पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन हल किया फिर आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे हर बार पैसेज पढ़ोगे तो टाइम कितना जाएगा। नहीं, तो आप अपने आंसर पहले ही फ्रेम कर लो। अब चाहिएगा क्या, वो जब पैसेज पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे मैं आपको कह देता हूँ फलाने रूम में से पांच चीजें लेके आओ जिसमें 1000 चीजें रखी हुई हो, हमें कोई लेना देना नहीं, माइंड में पांच चीजें ही रहेगी, माइंड में पांच चीजें ही रहेगी, तो उन पांच चीजों को ही आप ढूंढेंगे। चाहे 1000 चीजें पड़ी हुई हो वो अपने को समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन वो पांच चीजें समझ में आएंगी। तो ये पांच चीजें वो है कि आप अपना फ्रेम करो। क्या फ्रेम करो? इज इट ओके? ओके, फिर सर्च योर, जब आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा, हाँ इसका सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया, कॉम्प्लीट, अब मुझे इसमें चाहिएगा क्या, चाहिएगा क्या, तो उस समय सर्च योर नेसेसरी थिंग, आपकी आवश्यक चीज कौन सी वो ढूंढनी। उसमें पूछ रहा है, अगर पूछ लिया हु इज राम्स फादर, राम के पिताजी कौन है, अगर पैसेज में लिखा हुआ दशरथ तो आपने को तो खाली दशरथ ही तो ढूंढना है, दशरथ इज राम्स हो जाएगा है? फिर क्वेश्चन आ गया, वाई डिड राम गो टू एग्जाइल, राम वनवास क्यों गए, क्यों गए भाई, क्यों गए, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा राम वेंट टू एग्जाइल टू ओबे हिज फादर्स डिसीजन।
अपने पिताजी के निर्णय को पालन करने के लिए गए थे। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। तो वहां पे जब ये करेंगे ना, सर्च योर नेसेसरी थिंग, इस पे आपने अगर फोकस कर लिया तो आपके ये नंबर 100% 30 out of 30, 18 out of 18 और 9 out of 9 आप प्राप्त कर लेंगे। तो किसी भी पैसेज को हल करने के लिए, यहां मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए इफ यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, यदि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आई एम योर कोच, मैं आपका कोच हूं, मैं आपको अच्छा सा सिखा सकता हूं, क्या मैं आपकी जगह मैदान में जाके खेल सकता हूं क्या? मैदान में कौन खेलेगा? आप खेलोगे ना। तो आई कैन गाइड यू, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बट यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। तो सेम लाइक दैट, मैं आपको स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूं, इस स्ट्रेटेजी को आपको करना पड़ेगा। तो आप आगे से आप जब भी प्रैक्टिस करें पैसेज सोल्व करने की, तो आप इसी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आगे के लिए तैयार फिर से। थैंक यू।